Hey guys, this is Adarsh here from TechieMac और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक USB माइक्रोफोन का जो कि यहाँ पे आती है माउनो की तरफ से और ये है PM461TS और ये आपको Amazon पे जो है वो मिल जाएगी। बात करते हैं बॉक्स के साइड में, तो इसमें आपको प्रोफेशनल साउंड चिप सेट, ट्राईपॉड बेस और यहाँ पे माइक गेन का जो है वो कंट्रोल नॉब मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक शॉक माउंट मिल जाता है। तो अब हम बात करें बॉक्स के पीछे, तो यहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखा देखने को मिल जाता है और साइड में यहाँ पे जो है इसमें हाई फाई साउंड क्वालिटी है और ये प्लग एंड प्ले है, मतलब कि आप इसको डायरेक्ट अपने लैपटॉप या फिर PC में लगाएंगे और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस जब हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर की, तो यहाँ पे जो है आपको फोम की पैकेजिंग में आपका प्रोडक्ट जो है वो रखा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी यूज़र मैनुअल मिलेगी जिसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार इसको कनेक्ट करने से पहले। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा फीडबैक देने के लिए, तो आप इस पेन को जो है वो फीडबैक दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी केबल की, तो यहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी केबल मिल जाती है और जिस पे आपको माउनो की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी और काफ़ी हाई क्वालिटी केबल यहाँ पे इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मेटल पॉप फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे हाई क्वालिटी मेटल से बनाया गया है और आप इसका साउंड जो है वो सुन सकते हैं। फिर हम बात करें इसके शॉक माउंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का शॉक माउंट आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बनाया गया है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इसके ट्राईपॉड की, तो काफ़ी भारी यहाँ पे ट्राईपॉड आपको मेटल का जो है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे काफ़ी स्टर्डी ट्राईपॉड आपको इसके साथ में देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये होल्ड करता है माइक्रोफोन को, जो कि मैं लगा के इसको टेस्ट कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे माइक्रोफोन की, तो यहाँ पे इस टाइप की पैकेजिंग में आपको माइक्रोफोन जो है वो मिल जाएगी और देखते हैं माइक्रोफोन यहाँ पे आपको किस टाइप की मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इसकी जो बिल्ड है वो प्लास्टिक बिल्ड है, बट यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो चीप नहीं लगता है कहीं से भी और हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे इसकी गेन नॉब आप देख सकते हैं जिससे आप इसको जो है वो गेन को कम और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से। और यहाँ पे जो इसकी मैश की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। तो अब हम बात करें यहाँ पे केबल की, तो यहाँ पे आपको USB A to USB B केबल जो है वो देखने को मिल जाती है और उसकी क्वालिटी जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल आपको देखने को मिल जाती है माउनो की ब्रांडिंग के साथ, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करें इसको असेंबल करने की, तो काफ़ी आसानी से यहाँ पे असेंबल हो जाती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए मैं करता हूँ इसको असेंबल और करेंगे इसका साउंड टेस्ट। तो यहाँ पे हमारी माइक्रोफोन जो है वो रेडी हो चुके एकदम असेंबल होके, और यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको PC में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ अपने फ़ोन में OTG की हेल्प से और हम करेंगे इसका साउंड टेस्ट। तो गाइस अब यहाँ पे जो आप साउंड सुन रहे हैं वो हो रहा है रिकॉर्ड माउनो के माइक्रोफोन से और यहाँ पे आप इसकी वॉइस क्वालिटी को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये फ़ोन के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी नॉब की, तो अब यहाँ पे 60% पे मैंने कर रखी है इसकी गेन को और अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया एकदम जीरो और अब मैं इसको इंक्रीज़ करके कर दिया एकदम 100% पे। तो यहाँ पे ये मोबाइल पे भी आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करा देता है। तो अगर आप इसको PC पे जो है वो यूज़ करेंगे Audacity सॉफ्टवेयर से एडिट करके, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है ये नॉन एडिटेड है, मैं डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। तो इससे आप बैकग्राउंड की नॉइज़ और भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।